ओटोमन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा तुर्क साम्राज्य था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस एम्पायर की नींवें हिल गई थी। हालांकि मैं ओटोमन एम्पायर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अंकारा में हुई उस भीषण लड़ाई के बारे में, जब अमीर तैमूर लंग ने ओटोमन एम्पायर के सम्मान को ठेस पहुँचाई और वायजीद, जिन्हें इलग्रिम की उपाधि भी दी गई थी, उन्हें अपने जीवन का पहला और आखिरी युद्ध हारना पड़ा। इससे पहले सुल्तान मुराद के नेतृत्व में ओटोमन्स यूरोप में घुस चुके थे और ओटोमन्स को रोकने के लिए सारे ईसाई राजा धर्म के नाम पर एक साथ आए और ओटोमन्स के खिलाफ युद्ध भी लड़ा, जिसमें सुल्तान मुराद की मौत हो गई। लेकिन उनके बेटे वायजीद ने चतुराई से इस खबर को फैलने नहीं दिया और अंततः ओटोमन्स ने धर्म के नाम पर हुए इस युद्ध में ईसाइयों को बुरी तरह हराया और अंत में अपने भाई याकूब की हत्या के बाद वायजीद उस्मानिया यानी कि ओटोमन्स एम्पायर का सुल्तान बन गया। वहीं दूसरी ओर मंगोल एम्पायर डूबता जा रहा था, क्योंकि चंगेज खान की मौत के बाद उसका कोई भी वंशज मंगोल एम्पायर को संभाल नहीं पाया था। लेकिन 9 अप्रैल 1936 को आज के उज्बेकिस्तान में जन्मे तैमूर लंग ने मंगोल एम्पायर में फिर से नई जान फूंक दी, जो अपने आप को चंगेज खान का ही वंशज मानता था। एक छोटे से राज्य से शुरुआत करते हुए तैमूर चंगेज खान की नीतियों का पालन करते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिसमें उसने एशिया में दिल्ली होते हुए ईरान, इराक तथा रशिया के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा किया। तैमूर लंग एक बहुत ही क्रूर शासक था। उसका प्रमुख उद्देश्य था दहशत, यानी लोगों में इतनी दहशत फैला दो कि लोग खुद ब खुद ही डरकर भाग जाएं। वो जहां भी जाता वहां गैर मुस्लिम पर कहर बनके टूट पड़ता था। वो लोगों को मारकर उनके नरकंकाल को इकट्ठा करके एक मीनार बनाता और उसमें फिर आग लगा देता और उसकी अफवाहें लोगों तक फैलाता ताकि लोग उससे डरें। इसलिए अब तैमूर लंग के साम्राज्य की सीमाएं ओटोमन एम्पायर से मिलने लगी थी। अब तक ओटोमन एम्पायर ने यूरोपियन साइड से शांति स्थापित कर ली थी, जिसमें वायजीद ने सर्बिया की राजकुमारी से शादी की और वायजीद यूरोप में ही रहकर हंगरी के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे थे। तभी ओटोमन एम्पायर के अधीन कार्य कर रही कर्मानिया संतलत ने ओटोमन्स के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और जार्मियान संतलत पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में वायजीद वापस एनाटोलिया की ओर वापस अपनी फौज लेकर लौटे और इस विद्रोह को खत्म कर दिया। लेकिन अब तक यानी 1399 में तैमूर लंग का साम्राज्य इराक जीतते हुए ओटोमन एम्पायर की सीमा तक पहुंच चुका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो बगदाद का राजकुमार था वो भागकर ओटोमन्स की शरण में चला गया। तो दूसरी ओर मुस्लिम सल्तनत जो ओटोमन्स के अधीन थी, उनके शाही राजा और राजकुमार तैमूर की शरण में जा पहुँचे और उन्हें शरण मिली भी। इसलिए अब गुस्से और जलन की भावना इन दोनों साम्राज्य में फैल चुकी थी, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के दुश्मनों को शरण जो दी थी। जिसके बाद तैमूर लंग ने वायजीद को एक खत लिखा, जिसमें तैमूर ने कहा कि तुम जो काफिरों के साम्राज्य पर कब्जा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुमने जो मुस्लिम सल्तनत पर कब्जा किया है उससे पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। अब इलग्रिम के नाम से मशहूर वायजीद को यह संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो गुस्से से लाल हो गया, इतना कि जो उसके पास संदेश लेकर जो दूत आए थे उसने उन दूतों की दाढ़ियां तक कटवा दी और तैमूर के नाम अपना संदेश भिजवाया, जिसमें उसने कहा कि ज़्यादा सियाणा मत बन और वापस चला जा, नहीं तो तेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। खैर इसमें लिखा कुछ और था, लेकिन मैं अपनी तरफ से आसान भाषा में समझा रहा हूँ। खत मिलते ही जंग का आगाज हो ही चुका था। जो यूरोपीय साम्राज्य थे उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और तैमूर लंग को संदेश भिजवाया कि हम ओटोमन एम्पायर के खिलाफ आपके साथ है। यहाँ तक कि वायजेंटियन एम्पायर ने भी तैमूर लंग के समर्थन में अपना संदेश भिजवाया। लेकिन दोनों ही शासक वायजीद और तैमूर लंग बहुत ही समझदार और चतुर योद्धा थे। उन्हें पता था कि आमने सामने की लड़ाई में हम एक दूसरे को हरा नहीं सकते। प्रमुख तौर पर तैमूर लंग तो बिल्कुल भी ओटोमन्स की सेनाओं के साथ सीधे युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए तैमूर ने पहले सिवास के किले पर हमला किया। लेकिन इस किले की दीवारें बहुत मजबूत थी। जब वायजीद को खबर मिली तो वायजीद ने अपनी सेना की एक टुकड़ी और अपने बेटे को किले की रक्षा के लिए भेजा। लेकिन अब तक तैमूर लंग ने किले के चारों ओर फैली हुई दीवारों की नींव खोदना शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि दीवारें गिर गई और तैमूर ने अपना बदला लेते हुए इस शहर के 4000 सैनिकों तथा आम नागरिकों को जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दिया, जिनमें वायजीद का बेटा भी शामिल था। जिसके बाद वायजीद ने अपने 90,000 सैनिकों के साथ अंकारा के लिए प्रस्थान किया तथा अंकारा के पास अपने पसंदीदा मैदान में कैंप लगाकर बैठ गया। दूसरी ओर तैमूर ने अपनी सेना, जिसमें 1.5 लाख सैनिक शामिल थे, वायजीद का सामना करने के लिए अंकारा पहुंच गया। लेकिन तैमूर बहुत ही चतुर था। उसने देखा कि अंकारा का यह मैदान हर तरफ से ओटोमन सेना को ही सपोर्ट कर रहा था, इसलिए तैमूर ने बिना युद्ध किए पीछे हटता चला गया।
जिसके जवाब में बायजीद भी तैमूर की सेना के पीछे चलता चला गया। लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि तैमूर लंग की पूरी सेना ही गायब हो गई। बायजीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि पूरी सेना एकदम से गायब हो गई थी, जबकि हुआ कुछ और था। दरअसल तैमूर ने एक दूसरे रास्ते से अपनी सेना के साथ अंकारा पहुंच गया और वहां पहुंचकर अपनी सेना के साथ कैंप लगाकर आराम से बायजीद का इंतज़ार करने लगा। जब बायजीद को यह खबर लगी तो वो भी उसी रास्ते से वापस अंकारा पहुंच गया। लेकिन अब तक तैमूर ने अपना दाव खेल दिया था। उसने अंकारा जाते हुए सभी खाने पीने के संसाधनों को नष्ट कर दिया था ताकि बायजीद की सेना को संसाधन उपलब्ध ना हो, और ऐसा हुआ भी। जब बायजीद अपनी सेना के साथ अंकारा की ओर लौटा तो उसके लगभग 20,000 सैनिक भूख प्यास और थकान से ही मर गए थे। जब बायजीद अपनी थकी हुई सेना के साथ अंकारा पहुंचा तो वहां तैमूर बायजीद का इंतज़ार पहले से ही कर रहा था। तो इस तरह से जुलाई 1402 में इस भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें तैमूर के पास 1.5 लाख के करीब सैनिक थे, जिसमें हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना भी थी जो वो भारत से लाया था। तो दूसरी ओर बायजीद के पास 90,000 का सैन्य बल था, जिसमें उसकी जेनेसरीज के साथ साथ सर्वियन सेना भी शामिल थी, जिसे लीड कर रहे थे स्टीवन लाजेरबी, और साथ ही कई सारे कबीली तुर्की सैनिक भी थे। इस तरह से युद्ध की शुरुआत हुई, जिनमें तैमूर और बायजीद आमने सामने खड़े थे। तैमूर की सेना में लेफ्ट वाला मोर्चा संभाल रहा था उसका बेटा शाहरुख, तो राइट वाला मोर्चा संभाल रहा था खलील सुल्तान। आगे हाथियों की सेना खड़ी थी तो पीछे घुड़सवार, खुद तैमूर सबसे पीछे रिजर्व सेना के तौर पर खड़ा था। तो दूसरी ओर बायजीद की सेना में राइट वाला मोर्चा संभाल रहे थे सुलेमान, जो कि बायजीद का बेटा था, और लेफ्ट वाले मोर्चे पर थी सर्वियन सेना, और खुद बायजीद जेनेसरीज के साथ बीच में खड़ा था। युद्ध की शुरुआत तैमूर ने की और राइट वाले मोर्चे ने सर्वियन सेना पर हमला किया, जिसे सर्वियन सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और तैमूर की टुकड़ी को रोक दिया। तो वहीं दूसरी ओर लेफ्ट वाले मोर्चे ने सुलेमान के मोर्चे पर हमला किया, लेकिन सुलेमान इसे झेल नहीं पाया, तो सुलेमान की मदद के लिए बायजीद ने सैनिकों की मदद भेजी, जिसके बाद तैमूर ने हाथियों की टुकड़ी के साथ मध्य में बायजीद पर हमले के लिए भेजा, जिसके साथ घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे। लेकिन सुलेमान अंत में हार गया और अपनी जान बचाकर भाग गया, जिसके कारण सर्वियन सेना को लेफ्ट मोर्चे पर अपनी सहायता भेजनी पड़ी। यहाँ सर्वियन राजा ने बायजीद को वापस हटने का भी सुझाव दिया, लेकिन बायजीद नहीं माने। अब थके हुए प्यासे भूखे सैनिक कब तक लड़ते, वो धीरे धीरे हारते जा रहे थे। सर्वियन सेना भी पीछे हटने लगी, लेकिन जेनेसरीज ने अच्छी टक्कर दी तथा तैमूर को काफ़ी समय तक रोके रखा, जिसका फ़ायदा उठाकर बायजीद भागने में सफल हुआ। लेकिन वो कहाँ तक भागता, अंततः बायजीद को उसके बेटे सहित पकड़ लिया गया, और यहाँ पहली बार किसी ऑटोमन सुल्तान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया किसने, तैमूर लंगड़े ने। कहा जाता है कि बायजीद के लिए तैमूर ने एक स्पेशल पिंजरा बनवाया, जिसमें बायजीद को कैद करके तैमूर अपने साथ हर जगह ले जाया करता था। यहाँ तक कि घोड़े पर चढ़ने के लिए भी तैमूर बायजीद की पीठ का ही सहारा लेता था। इस शर्मनाक जिंदगी को बायजीद ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाया और कुछ ही महीनों में दम तोड़ गया। लेकिन तैमूर ने बायजीद के बेटों को रिहा कर दिया। तैमूर एक लुटेरा था, वो ज़्यादा दिनों तक एक जगह नहीं टिकता। उसका एक ही असूल था, दहशत और लूटमार, जिसके लिए उसने शुरुआत में गैर मुस्लिम और काफिरों को निशाना बनाया, लेकिन बाद में उसने मुस्लिमों को तक नहीं छोड़ा, जो रास्ते में आया उसे ख़त्म कर दिया। तैमूर इतिहास का एक बहुत बुरा सपना था जो बीत गया। तैमूर चंगेज़ खान की तरह बनना चाहता था, हालांकि वो ताकतवर तो बन गया, लेकिन चंगेज़ खान की तरह नहीं बन पाया, क्योंकि चंगेज़ खान इतना भी क्रूर नहीं था। दूसरी ओर बायजीद के जाने के बाद ऑटोमंस में अंदर ही सत्ता के लिए सिविल वार छिड़ गया। बायजीद के 4 बेटे थे, जिनमें सुलेमान, मूसा, ईसा और मेहमद, जिनके बीच लगभग 11 सालों तक जंग चली और अंत में मेहमद नया सुल्तान बना। दूसरी ओर 1305 में तैमूर की मौत के बाद तैमूर का साम्राज्य भी बुरी तरह टूट गया, लेकिन ऑटोमंस नहीं बिखरे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देरी से बनाने के लिए फिर से माफ़ी चाहूँगा, आप मेरी मजबूरी को समझिए प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।